ये सुना आपने, इसे कहते हैं थर्ड जर्मन बिल्ड क्वालिटी। ये दिखा देती है कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट रोहित वर्मा और आज हम आपके लिए ला रहे हैं वोक्सवैगन की पोलो। ये वोक्सवैगन पोलो का बेस वेरिएंट है ट्रेंड लाइन, जो कि 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आता है। फ्रंट के लुक की बात करते हैं तो सामने यहाँ पे डबल बैरल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हैलोजन हेडलैम्प्स, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्चुअली नेक्स्ट मॉडल्स में, अब हायर मॉडल्स में यहाँ पे फॉग लैम्प आता है, पर यहाँ पे फॉग लैम्प है नहीं, यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसका फ्रंट ग्रिल देख सकते हैं, ये ग्रिल नया दिया हुआ है इस मॉडल में। यहाँ पे वोक्सवैगन का बड़ा लोगो आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लुकिंग है। यहाँ पे बम्पर पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे हनीकॉम ग्रिल मिल जाता है। यहाँ पे भी हनीकॉम ग्रिल है, यहाँ पे भी सामने भी, यहाँ पे भी ग्रिल हनीकॉम में ही मिलेगा आपको। इसके साइड लुक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कार आती है बेसिकली विथ 14 inches व्हील्स एंड दैट टू इट कम्स विथ स्टील रिम्स, पर ये एज अ पैकेज दिया जा रहा है शोरूम की ओर से, जिसमें इन्होंने अलॉय व्हील्स दिया हुआ है। आप इसका साइज़ देख सकते हो, 175/70 R14 के साइज़ के टायर्स है, और बेसिकली अलॉय व्हील्स इज चार्ज, अगर आप लेने जाते हो तो अराउंड 36,000, बट यहाँ पे फॉर पैकेज डील दे आर गिविंग इट फॉर वेरी लेस एज अ होल पैकेज। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन सी हियर इज दिस इज द ORVM में यहाँ पे साइड में टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, LED इंडिकेटर्स। आई जस्ट स्विच इट ऑन एंड शो इट टू यू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड देन यू कैन सी हियर, नीचे स्लिट दिया हुआ है, साइड स्लिट। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी कलर हैंडल दिए हुए हैं, और बी पिलर इज टोटली इन मैट फिनिश ब्लैक। और इसका जो अगर आप लुक देखते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लासी और रियली गुड लुकिंग आ रहा है साइड से। अब हम आपको इसका रेयर लुक दिखा देते हैं, कैसे दिखता है रेयर लुक। प्लीज़ हैव अ लुक हियर। सबसे पहले आप, सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे जो है इसका टेल लैंप। ये LED टेल लैंप है, जो कि L शेप में आता है, और यहाँ पर भी एक छोटा LED एलिमेंट दिया हुआ है, जो कि बहुत ही सुपर लुक दे रहा है इस कार को। यहाँ पे आप देख सकते हो पोलो की बैजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर वापस से VW का मेन बैच दिया हुआ है, मेन लोगो। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको, और ये एक बम्पर स्लिट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है इस कार को। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस वेरिएंट। अभी आपको इसका हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे आपको कोई वाइपर वॉशर नहीं मिलेगा। अभी हम आपको इसका बूट ओपन करके दिखाते हैं। ये बूट इस तरह से ओपन होता है, जो कि काफ़ी फैंसी लगता है एक्चुअली। आप देखते हो तो नॉट अ बैड बूट, अच्छा बूट स्पेस है। आपको बूट स्पेस एग्जैक्टली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, और इसके अंदर देख लेते क्या क्या आता है। यहाँ पे आपको टूल किट एंड स्पेयर टायर मिल जाएगा, जो कि 14 इंचेस का ही है। दैट इज इट। आप सामने ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है, जो कि थोड़ा बड़ा है, बट या इट डज द जॉब। अभी एक चीज़, अगर आप जितने भी फुल फ्यूल लिड ओपनर्स देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्स के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, पर इस कार का राइट हैंड साइड में है, सो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट इन दिस कार। ओके, नाउ विल गो इनटू द इंटीरियर्स एंड चेक आउट द इंटीरियर्स। अब आप इसके इंटीरियर देख सकते हो, फुल ब्लैक में दिया हुआ है, टोटली ब्लैक में, पूरा डोर भी ब्लैक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट टू डोर पावर विंडो ही मिलते हैं, बाकी पीछे इट इज़ जस्ट मैनुअल विंडोज़। यहाँ पे लॉक अनलॉक का की दिया हुआ है, और ये डोर हैंडल है, जो कि सिल्वर फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिल जाता है, तो उसके लिए जगह काफ़ी है। हाँ, एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ फॉर द ORVMs कंट्रोल, मतलब यहाँ पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा एडजस्ट। यहाँ पे कोई स्विच वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है इसके लिए, बिकॉज दिस इज़ अ बेस वेरियंट।
ओके गाइस, अब हम लोग इसके इंटीरियर्स में आ चुके हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इसका की दिखा देता हूँ। बहुत ही बेसिक सी की है, देर इज़ नो सेंट्रल लॉकिंग नथिंग, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ओके, दिस इज़ अ बेस वेरिएंट, दैट इज़ व्हाई इट इज़। सो फर्स्ट चीज इसको ऑन कर लेते हैं पहले। ओके, फर्स्ट चीज अगर फर्स्ट इंप्रेशंस बोलते हैं, इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे हैं, नॉट बैड एट ऑल। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़े हार्ड प्लास्टिक्स है बट इट इज़ ओके, नॉट बैड, क्योंकि फुल ब्लैक में है तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। और हाँ, अभी एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, एक टू डेंट का म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है, जो कि दिस इज़ फ्रॉम द डीलरशिप साइड। ये आता नहीं है बेस वेरिएंट में, इट विल बी देयर इज़ नो व्हाट यू से एनी म्यूज़िक सिस्टम और एनीथिंग, इट विल बी जस्ट प्लेन। यहाँ पे इन्होंने एडिशनल फिट करके दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे टू कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एक। आप ड्राइवर साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प के स्विचेस मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको एसी वेंट है, ड्राइवर साइड एसी वेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइपर के कंट्रोल्स है ये, और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बेसिकली दूसरे कारों में इट विल बी स्वैप्ड, पर यहाँ पे अलग आता है, मतलब इट इज़ टोटली ऑपोजिट। आप देख सकते हो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है, और फिर यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है ये वाला, और यहाँ पे आपको बीच में MID स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर ट्रिप मीटर, डिस्टेंस टू MT, ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी गिवन। अब आप इसका इंटीरियर का पूरा लुक एक साथ में देख लीजिए कैसे दिख रहा है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सामान आ जाता है इसमें। यहाँ पे भी छोटे मोटे कुछ सामान रखने के लिए जगह है। यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इनके साइड्स में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जिससे थोड़ा प्रीमियमनेस आता है। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड ब्लैक कैबिन है, बट इट इज़ नॉट बैड। यहाँ पे आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, एंड यहाँ पे थोड़ा कुछ सामान रखने के लिए जगह दी हुई है। ये इसका हैंड ब्रेक, और फिर यहाँ पे भी बस थोड़ी बहुत कोई चिलर मतलब कॉइन्स रखने के लिए जगह है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। आर्मरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि बेस वेरिएंट है। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्लेन ब्लैक एंड वेरी सिंपलिस्टिक लुक दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एज वेल टू यूज़। देर इज़ नथिंग ओवर द टॉप, बट एवरीथिंग इज़ गुड एंड टच एंड फील अच्छा है फॉर दिस प्राइस रेंज। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिरर दिया हुआ है पैसेंजर साइड के लिए, यहाँ पे टिकट होल्डर दिया हुआ है। अब एक चीज़, ये बेस वेरिएंट में आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, एक ड्राइवर एयरबैग और एक पैसेंजर एयरबैग इधर मिल जाता है आपको। ये इसका मैनुअली एडजस्टेबल IRVM। इस पूरे केबिन में सिर्फ ये एक ही लाइट मिलती है, बाकी कोई लाइट है नहीं पूरे केबिन में, सिर्फ ये एक लाइट है। ये सुना आपने, इसे कहते हैं थर्ड, जर्मन बिल्ड क्वालिटी ये दिखा देती है कैसी है। ओके, सो नाउ दैट वी आर इन द बैक सीट, द फ्रंट ड्राइवर सीट इज़ एडजस्टेड एज पर माई हाइट, जो कि 5'10" है। बहुत ही ज़्यादा कम जगह है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा कम जगह मिल रही है यहाँ पे, मतलब सिर्फ इतनी सी जगह मिल रही है। इवन थाई सपोर्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम है, इट इज़ नॉट वेरी ग्रेट। पीछे बैठने के लिए नहीं है ये कार। हेडरूम भी बहुत ही ज़्यादा कम है। बैक सीट बंदों के लिए नहीं है ये कार, दो जन बैठ सकते, तीसरे जन आएगा भी नहीं इसके अंदर। देर इज़ नो नीड टू, मतलब बोल ही नहीं सकते कि तीन जने बैठ जाओ इस कार के अंदर। दैट इज़ लाइक रियली वन बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस। एक और चीज़ जो अच्छी आती है इसके अंदर, दैट इज़ दिस एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि काफ़ी अच्छे है, क्वालिटी भी अच्छी है, एंड बेस वेरिएंट में बेसिकली कोई दूसरी कार्स देती नहीं है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट दिस इन दिस दे हैव गिवन, दैट इज़ रियली गुड। और बाकी हाँ, कम्फर्ट इज़ ओके, बट बेसिकली दिस इज़ ड्राइवर्स कार, दैट इज़ वॉट इट इज़ नोन फॉर, एंड पीछे स्पेस कम है, डेफिनेटली दैट इज़ अ बिग डाउन साइड ऑफ इट। टनल बहुत ही ज़्यादा है, ट्रांसमिशन टनल, तो तीसरे जने के बीच में बैठने के लिए इसलिए जगह नहीं होती है, इट इज़ बेस्ट फॉर टू ऑफ देम। अच्छा, अब एक चीज़ जो पीछे है, आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलेंगे, ये नॉर्मल मैनुअल विंडोज़ मिलते हैं।
दिस बीइंग अ बेस वेरिएंट दैट इज़ हाउ इट इज़। यहाँ पे आपको कोई बॉटल होल्डर नहीं मिलेगा, पीछे के डोर्स में भी वेरी बेसिक कुछ फाइल वगैरह रखने के लिए जगह है, पेपर्स एंड फाइल्स। अब हम आपको इसका इंजन बे दिखा देते हैं, प्लीज़ कम इन। आप देख सकते हो इसके अंदर 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि बहुत ही छोटा है इस कार के लिए आई वुड से, बट देन दे हैव गॉन फॉर माइलेज दिस टाइम एंड दैट इज़ वाई दे हैव गॉन फॉर दिस इंजन। देखो गैप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर पहले बड़ा डीजल इंजन आया करता था, बट नाउ दैट दे हैव गॉन विद अ स्मॉलर इंजन, या दिस व्हाट इट कम्स विद। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़ की, यहाँ पे कोई डैम्पिंग वगैरह कुछ नहीं दी हुई है साउंड डैम्पिंग के लिए, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ स्मॉलर इंजन एंड डजंट मेक दैट मच नॉइस, तो इसके लिए दे हैव जस्ट गॉन एज इज। सो ऑन दिस ट्रेंड लाइन Volkswagen Whitefield is giving a deal for today, that is actual on-road price is around 7,26,000, discounted price they are giving at 6,95, or iske alloy wheels jo ki basically if you go and buy it, it goes up around 36,000, but they are giving it as a deal for 15,000 rupees only. So special on-road price is 7,10,000. So this is the price on-road Bangalore for the base variant. I'll give their details description mein, you can contact them. And if you like, you can just have a drive of this car. Okay guys, this is it from our end. Hopefully, aapko ye video pasand aaya hoga. If you like this video, please like, share, comment and subscribe. And please follow us on Instagram at 48 Automobiles for whatever your queries you have. And please leave your comment below if you have anything or any doubts, we'll try and clear it. Bye.